अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं अज़ियाना अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि इंसानों में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है गैसेस एक्सचेंज के लिए, जिसको हम नाम देते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इस रिस्पायरेटरी सिस्टम की मदद से हम क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक पार्ट्स को हम नाम देते हैं एयर पासेज वे और दूसरे को हम नाम देते हैं लंग्स, राइट। तो यहाँ पे हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं एयर पासेज वे से। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यहाँ पे एयर जब हम इनहेल करते हैं तो ये काफ़ी जगहों से गुज़रते हैं जो यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, और हर एक को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एयर पासेज वे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट आता है, जिस पॉइंट से वो पहला स्टेप लेते हैं, वहाँ से गुज़रते हैं, फिर अंदर जाके बाकी प्रोसेस होता है, उसको हम आम जबान में क्या कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये क्या है, नाक है। इस तरह नाक होता है और नाक में यहाँ पे जो दो ओपनिंग है उसको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल। एक को, एक सुराख को या एक ओपनिंग को हम नॉस्ट्रल कहते हैं। जब दो हो तो यहाँ पे हम एस लगाते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन जो है उसका जो नाक है, उसकी जो पहले पहले दो ओपनिंग है उसको हम नॉस्ट्रल नाम देते हैं। तो सबसे पहले एयर यहाँ से इंटर होता है नॉस्ट्रल में। तो फर्स्ट वन पॉइंट क्या है, नॉस्ट्रल जो है यहाँ से एयर इंटर हो जाता है। तो फर्स्ट वन पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है उसको हम नाम देते हैं नेज़ल कैविटी। यहाँ पे एक कैविटी होती है नाक के अंदर, जिस तरह माउथ में एक कैविटी है, इस तरह नाक में भी एक कैविटी है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए नेज़ल कैविटी के अंदर फिर क्या क्या होते हैं और एयर के साथ क्या क्या होता है, इसके ऊपर आते हैं। तो जैसे ही एयर नेज़ल कैविटी में आती है तो यहाँ पे नेज़ल कैविटी में हेयर्स होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यानी वहाँ पे म्यूकस भी होता है। तो हेयर क्या करते हैं, बॉल्स क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही इंटर होती है एयर, यहाँ पे इसमें जो डस्ट पार्टिकल है, अब एयर जो है प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें डस्ट पार्टिकल ज़रूर होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल पहले पहले क्या करता है, हेयर जो है, बॉल जो है उसको रोकता है, यानी डस्ट पार्टिकल को ये हेयर रोकता है, जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल है। इसके अलावा अगर डस्ट पार्टिकल यहाँ से गुज़र गया तो यहाँ पे जो म्यूकस होता है नेज़ल कैविटी में, उस वो म्यूकस क्या करता है, उस डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेता है, आगे नहीं छोड़ता, आगे डस्ट पार्टिकल को नहीं छोड़ता। इसके अलावा नेज़ल कैविटी का काम ये भी है कि बाहर जो एयर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है आपके बॉडी से, यानी वहाँ पे बाहर यानी एयर का जो टेम्परेचर है वो 37 से ऊपर भी हो सकता है और 37 से नीचे भी हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे एयर पहुँचता है उसका टेम्परेचर अपनी बॉडी के साथ बराबर कर देता है, यानी बराबर करने की कोशिश करता है, 37 पे लाता है उस एयर का टेम्परेचर। इसके अलावा एयर जो होता है, एयर वो खुश्क होता है यानी एटमॉस्फेयर में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे नेज़ल कैविटी में आती है तो यहाँ पे इसको गीला कर देता है, उस एयर को क्या करता है, गीला कर देता है। तो ये काम किसका है, नेज़ल कैविटी का है। नेज़ल कैविटी के बाद जो पॉइंट आता है उसको हम नाम देते हैं फेरेंक्स। अब फेरेंक्स जो है इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन कितनी है, 4.5 इंच लॉन्ग है, और ये मस्कुलर पासेज है, यानी ये जो बना है ये मसल से बना होगा, कौन, फेरेंक्स। पर फेरेंक्स वो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि नेज़ल कैविटी यहाँ पर आती है और माउथ की जो कैविटी है, यानी यहाँ पे ये दोनों कैविटी जो मिलती है, जो ओपनिंग होती है इसकी नेज़ल कैविटी की और माउथ कैविटी की, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं फेरेंक्स।
अब यहाँ पर भी म्यूकस होता है। जब एयर हमारे पास यानी उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो अगर हेयर से पास हो के, इसके अलावा यहाँ पे नेजल कैविटी में जो म्यूकस है वहाँ से भी पास हुआ तो यहाँ पे फेरेंक्स में जो म्यूकस है वो पीर पकड़ लेता है। इसके अलावा यहाँ पे कभी कभार हम मुँह से भी सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम भी डस्ट पार्टिकल होते हैं और ये डस्ट पार्टिकल फिर यहाँ पे चिपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं जो इसमें म्यूकस है। इसके बाद यहाँ पे फेरेंक्स के बाद आता है लैरिंग्स। क्या आता है? फेरेंक्स के बाद आता है लैरिंग्स और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, वॉइस बॉक्स। अब वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का वॉइस प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे अगर हम देख ले इस एरिया में, इस एरिया को अगर हम बड़ा कर दें, यहाँ पे जो लैरिंग्स है ये वाला एरिया, तो ये कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे दो नालियाँ हैं, एक नाली वो जिसमें खुराक जाती हैं, क्या जाती हैं? खुराक जाती हैं, और एक नाली वो जिसमें एयर पास होती है। तो यहाँ पे ये जो जगह आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है? लैरिंग्स है या वॉइस बॉक्स है। अब ये एरिया यहाँ पे ये खुराक की नाली है और ये एयर की नाली है। यहाँ पे जब हम बाहर की तरफ हवा को धकेलते हैं तो उस टाइम ये वाइब्रेट हो जाता है, यानी जब हम चाहते हैं कि ये अभी वाइब्रेट हो जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स जो है ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो भी चीज़ है जब वो वाइब्रेट होता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे, ये ओपनिंग जो है इसको हम नाम देते हैं ग्लोटिस। क्या नाम देते हैं? ग्लोटिस। और इसके अलावा यहाँ पे इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। क्या होता है? एक ढक्कन होता है। ढक्कन का क्या काम है? यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, यहाँ पर भी मैंने कुछ इस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे ढक्कन का काम ये होता है कि जैसे ही हम खुराक खाते हैं तो ये ढक्कन इस तरह जब पहले खुला होता है इसके ऊपर आ जाता है। यानी अगर मैं इस तरह ड्रा कर दूं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ढक्कन है। तो ढक्कन पहले ओपन होता है जब हम सांस लेते हैं, इस तरह होता है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम खुराक खाते हैं तो ढक्कन इस पे आ जाता है, इसको बंद कर देता है। बंद क्यों कर देता है? बंद इसलिए करता है ताकि जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ पे ग्लेटिस को क्रॉस करके अंदर ना चले जाए। आप लोगों ने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, खुराक खाते हैं और उस टाइम बोलते हैं तो यहाँ पे जो ग्लेटिस है इसके ऊपर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो ढक्कन है इसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये ओपनिंग जो है लैरिंग्स का, इसको हम ग्लॉटिस नाम देते हैं और इसके ऊपर जो ढक्कन है उसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब हम खाना खाते हैं, पीते हैं, उस टाइम आप लोग सोच ले उस टाइम हमारी सांस रुकी होती हैं, यानी उस टाइम हम सांस नहीं ले सकते। अगर ले लिया तो यहाँ पे फूड पार्टिकल जा सकते हैं और जब एक बार चले जाए तो आप जो है आपको कौन सी आएंगी, टोक टोक इस तरह आप लोग ज़रूर करेंगे। आप लोगों ने कभी फील किया होगा जब हम खुराक खाते हैं उस टाइम कभी कभार हम बोलते हैं तो थोड़ा सा पार्टिकल सिर्फ यहाँ पे ग्लेटस के ऊपर लगता है और फिर हमें कौन सी लग जाती हैं, टोखा 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 ट्र। तो यहाँ पे इसी वजह से ये ढक्कन होता है कि जब हम खुराक खाते हैं तो ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, राइट। इसके बाद लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स जाते जाते यहाँ पे ट्रीकिया में आ जाती हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको हम नाम देते हैं ट्रीकिया। क्या नाम देते हैं? ट्रीकिया। ट्रीकिया और विंड पाइप, यहाँ पे मैंने इसको बड़ा किया हुआ है, इसको हम नाम देते हैं ट्रीकिया या विंड पाइप। यहाँ पे ये ट्रीकिया या विंड पाइप जो है ये लॉन्ग ट्यूब जैसा है, यानी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, पर इसमें यहाँ पे सी शेप के
तकरीबन 16 टू 20 इस तरह सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे, यहाँ इस तरह 16 टू 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। अब इस सी शेप का जो रिंग्स है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये इस विंड पाइप को या ट्रीकिया को कोलैप्सिंग से रोकता है, यानी ये सुकड़ता नहीं है इस तरफ ये सुकड़ता नहीं है, कोलैप्स नहीं होता। किसकी वजह से? यहाँ पे ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग की वजह से। अगर ये ना होते तो ये, अगर हम मान लो हम तो उल्टा भी लेटते हैं, इसके अलावा दौड़ती भी हैं, सीधा भी लेटते हैं, साइड पर भी लेटते हैं, तो ये इस तरह कोलैप्स हो सकते थे। पर कुदरत का निज़ाम देख लो, यहाँ पे इसकी बीच इस तरह सी शेप जो है इसके रिंग बनाई हुए हैं ताकि ये कोलैप्सिंग से बच सके, यानी प्रेसिंग से बचाता है कि ये एक दूसरे के साथ प्रेस ना हो सके। तो इसके अलावा यहाँ पे ट्रिकिया में सीलिया भी होती हैं। क्या होती हैं? सीलिया भी होती हैं। अब सीलिया का काम क्या है? सीलिया का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जैसे यहाँ पे मान लो आपने नाक के ज़रिए सांस नहीं लिया, मुंह के ज़रिए सांस लिया, अब कभी कभार मच्छर या मक्की या छोटा इंसेक्ट जो है वो सांस के ज़रिए अंदर जा सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रीकिया के ऊपर आता है तो यहाँ पे ये सीलिया उस छोटी चीज़ को, उस मच्छर को आगे नहीं छोड़ता और फौरन आप लोगों को खांसी आएंगी। जब खांसी आएंगी तो हवा का प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से फिर ये फौरन वो मच्छर या डस्ट पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, वो फौरन बाहर आ जाता है। आप लोग सोच ले, जो पहले पहले सिगरेट का कश लगाता है जो इंसान, तो वहाँ पे जो धुआँ जो है सिगरेट का धुआँ, वो जैसे ही सीलिया के ऊपर लगता है तो ये फौरन जो है अपना काम स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे इंसान को खांसी देना स्टार्ट कर देता है और फौरन उसके ऊपर खांसी आ जाती है। जैसे पहला कश लगाता है सिगरेट में कोई भी ह्यूमन या फीमेल हो, मैन हो, तो इसका काम यह है कि अगर बड़ा पार्टिकल यहाँ पे इन चीज़ों को क्रॉस करके आया तो सीलिया आगे नहीं छोड़ता। इसके अलावा यहाँ पे ट्रीकिया का काम ये भी है कि फिल्ट्रेशन तो करता है पर यहाँ पे एयर को गीला कर देता है। एयर को क्या करता है? गीला करता है। इसके अलावा उसका टम्परेचर 37 तक लाता है ताकि बॉडी के टम्परेचर के बराबर हो। ये भी ट्रीकिया का काम है। अब ट्रीकिया जाते जाते यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद यहाँ पे ये जो आया हुआ है, यानी एक लंग में जा चुकी है, दूसरी लंग में ट्रीकिया जा चुकी है, तो इस एक ब्रांच को ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम ब्रोंकस कहते हैं और यहाँ पे जो दोनों हैं, ये भी और ये भी, इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकाई। एक को ब्रोंकस, दोनों को ब्रोंकाई। इसके अलावा इसमें भी यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं सी शेप के, पर ये यहाँ पे सीलिया से, सॉरी जो ट्रीकिया है उससे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ट्रीकिया के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? अब ब्रोंकाई जो है ये दोनों लंग्स में इंटर होते हैं, यहाँ पे इस लंग में भी इंटर, इस लंग में भी इंटर, फिर ये ब्रोंकाई रीडिवाइड होते हैं, रीडिवाइड और यहाँ पे एक नेटवर्क बनाता है, तो इसको हम स्मॉल ब्रोंकाई कहते हैं। और ये स्मॉल ब्रोंकाई जब इतना छोटा हो जाए कि 1 मिलीमीटर से भी लेस देन हो, फिर हम उसको नाम देते हैं ब्रैंकियोल्स। क्या नाम देते हैं? ब्रैंकियोल। तो ब्रोंकाई डिवाइड, रीडिवाइड और लेस देन मिलीमीटर से हो जाए, फिर इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल। इसके अलावा ब्रोंकियोल जाते जाते इसका जो एंड है, एंड यहाँ पे डक्ट होता है और इसके साथ यहाँ पे क्लस्टर होता है, एक गुच्छा होता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा हो, यानी यहाँ पे अंगूर जैसे एक गुच्छा होता है इसी तरह, यानी ग्रुप ऑफ चीज़ पड़ा हुआ है, ग्रुप ऑफ चीज़ लगा हुआ है किसके साथ? जो एंड है ब्रोंकियोल्स का। अब यहाँ पे ये जो गुच्छा है ये किस चीज़ का है? ये एल्विलस का है।
एक ये यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको हम क्लस्टर कहते हैं, पर एक को हम नाम देते हैं एल्विलस। क्या नाम देते हैं? एल्विलस। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी इंतहाई छोटा है। और यहाँ पे जो ब्रोंकियोज है उसका जो एंड है वहाँ पे इस तरह एल्विलस हज़ारों में होते हैं। तो उस एक ग्रुप को, यानी यहाँ पे जो काफ़ी तादाद में एल्विलस पड़े हैं उस एक ग्रुप को हम नाम फिर देते हैं एल्विलाई। क्या नाम देते हैं? एल्विलाई। अब ये एल्विलाई जो है, या एक एल्विलस जो है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्विलस को देता है, और एल्विलस फिर वो यहाँ पे जो एयर एयर पासेज वे है उसके ज़रिए बाहर कर देता है। इसके अलावा अंदर की तरफ जो एयर आ चुका है, जो सारे मरहलों से गुजर चुका है, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म है, डस्ट पार्टिकल ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो एल्विलस में आके, या यहाँ पे जो गुच्छा है एल्विलाई है इसमें आके वो कैपिलरीज को देता है, ब्लड के साथ मिलाता है उसमें जो ऑक्सीजन है, और फिर आगे ब्लड का काम होता है। तो इस सारे एरिया को, यानी ये सारे मरहले जो है, यहाँ से नाक से लेकर नेजल कैविटी, ट्रीकिया, फेरेंक्स, लेरेंक्स और इसके अलावा ब्रोंकियोल, ये सारा जो रास्ता है इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? एयर पासेज वे। इसके बाद होता है लंग्स। क्या होता है दूसरा जो आता है? लंग्स। लंग्स किस तरह होता है? तो लंग्स जो है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये चेस्ट कैविटी में होते हैं, यानी आपका जो चेस्ट है वहाँ पे लंग्स पड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसमें इसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। अब डायफ्राम का फंक्शन क्या है मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता हूँ, लेकिन डिटेल में नहीं जाता। डायफ्राम का फंक्शन ये है कि इनहिलेशन और एक्सहिलेशन में मदद देता है, पर डिटेल में इंशाल्लाह फिर कभी पढ़ लेंगे, फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिटेल नहीं दिया हुआ, सिर्फ यहाँ पे बात लिखी हुई है कि लंग्स के इस साइड पे डायफ्राम होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो दोनों लंग्स है वो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन में इनक्लोज होते हैं। यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें दोनों लंग्स इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं प्लूरा। इसमें फ्लूइड होता है, प्लूरा फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड क्या करता है, जब लंग्स इनहेल इनहिलेशन और एक्सहेलेशन इसमें होता है तो यहाँ पे ये इसकी इसमें इस इसकी थोड़ी बहुत मोशन भी होती है, तो यहाँ पे इसकी मोशन को इजी बना देता है। इस फ्लूइड की वजह से यहाँ पे जो एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, यानी लंग्स का सिकुड़ना और फैलाना इस तरह होता है, पेट के ऊपर आप लोग हाथ रखे तो ऊपर नीचे होता है, तो ये जो मोशन है इसको इजी बनाना किसका काम है? प्लूरा फ्लूइड का काम है। तो यहाँ पे हमारा जो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन है ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एल्विलस जो है इसमें जो गैसों का तबादला होता है उसको फिर हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ये इसके बाद का टॉपिक है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।